अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीला और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चीज़ी चिकन हॉट बोटी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हॉट बोटी इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, चिकन लिया है मैंने 1 kg, धनिया चाहिए हमें थोड़ा सा, नमक हसबे ज़ायका, चिली सॉस 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच, ये सिरका 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ही लाल मिर्च चाहिए हमें, और ये ऑयल है 2 खाने के चम्मच, और ये मुज़रेला चीज़ है, ये छोटा पैकेट है 1, इसको कद्दूकस कर लिया। अब हम इसको तैयार करते हैं। चिकन में हम सारी चीज़ें अब हम ऐड करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम डालने लगे हैं नमक, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, चिली सॉस, ये हॉट सॉस, सिरका और ये तेल, इन सब को अब हम मिक्स करेंगे। चिकन को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, इसको अब आपने मैरिनेट करके रख देना है 1/2 घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट हुए 1/2 घंटा हो गया है, अब हम इसको तैयार करेंगे। हम फ्लेम ऑन करते हैं, इसमें अब हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन में अब हमने 1 ग्लास पानी ऐड करना है। चिकन को अब हमने कवर लगा के पकाना है कि चिकन हमारा जो है ना वो गल जाए, तो उसको हम 14 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कवर लगा के। कवर हटा के देखेंगे कि हमारा चिकन पकता है अभी के नहीं। हमारे चिकन का पानी मिक्स हो गया है, चिकन हमारा गल भी गया है। थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लें, फिर इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। जिस मसाले से हमने बोटियों को मैरिनेट किया था वो हमारा सारा बोटियों को लग गया। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा और स्लो करेंगे। ग्रिल चीज़ ली थी मैंने, इसको कद्दूकस कर लिया हुआ है। चीज़ हमने डाल लिया, अब ये थोड़ा सा धनिया लेंगे हम, इसके ऊपर ये डालेंगे। इसको स्लो फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, हमारी चीज़ जो है ना वो पिघल जाए। 4 से 5 मिनट हो गए, हम कवर हटा के देखते हैं कि चीज़ हमारी पिघल गई है। ये देखिए चीज़ हमारी पिघल गई है। चीज़ी चिकन हॉट बोटी रेडी है। इसको आप ऐसे भी इसी पैन में भी सर्व कर सकते हैं और दूसरे बाउल में भी निकाल सकते हैं। हम इसको बाउल में निकालेंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।